अगर आप ईमानदार हैं तो कोई आप कोई 30 मार्क का नहीं है, होना ही चाहिए था। अगर आप आईपीएस ऑफिसर हैं तो आपको सरकार गाड़ी देती है, बेहतरीन गाड़ी देती है, 2 ड्राइवर देती है, 2 आरटीपीसी गनर देती है, घर में काम करने के लिए लोग देती है, घर किराए का जो घर देती है, इतना बड़ा घर देती है कि इसका किराया 5-6 लाख रुपए है, घर में गार्ड देती है। आप पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक आईपीएस ऑफिसर पर सरकार कम से कम हर महीने 7-8 लाख रुपए खर्च करती है, 7-8 लाख रुपए। आप किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से पूछिए उसकी उसकी सैलरी 3 लाख पर मंथ होगी लेकिन खर्चे उसके उतनी पूरे। मुझे आज तक नहीं पता है कि डीजल क्या भाव है, पेट्रोल क्या भाव है, आई डोंट नो। मुझे इतना पता है कि मेरी गाड़ी पूरी टोटली भरी रहना चाहिए। अगर गाड़ी मेरे को अचानक से कहीं जाना पड़ा और गाड़ी में पेट्रोल कम निकला तो मैं ड्राइवर को छोड़ूंगा नहीं। फिर भी अगर हम लोग रोक करके बोलते हैं कि हमारी सैलरी कम है, हमारी पगार कम है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पेट कभी भरने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफिसर्स ये तय करके आए हैं कि हम इस सर्विस में नौकरी के लिए नहीं जा रहे हैं बल्कि हम मिशन के लिए जा रहे हैं, हमें मिशन के रूप में काम कर रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं।